What is the wavelength of light emitted when the electron and hydrogen atom undergoes a transition from n equal to 4 to n equal to 2? So बेटा 4 से 2 में आ रहा है और वेवलेंथ ऑफ लाइट आपसे पूछी गई है. तो बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने के क्या होता है, 1 upon lambda is equal to, अगर आपको याद हो, r z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, ये कर सकते हैं. अब बच्चों आपको भी मालूम है वेवलेंथ हमेशा प्लस में ही आनी चाहिए, वेवलेंथ को माइनस में हो भी नहीं सकती. तो हमेशा बेटर है n1 वैल्यू को आप छोटी वैल्यू रखिए, n2 को बड़ी रखिए, जिससे ये आंसर आपका हमेशा प्लस हो रहा है, बस खाली साइन ही चेंज होंगे. अब कोई एक बच्चा कह सकता है हमें r नहीं याद है, व्हाटएवर, तो कल वाली वो जो वैल्यूज थी उनसे हेल्प ले लीजिए. ठीक है, तो यहां से 1 upon lambda is equal to 1.09677 into 10 to the power what is this 10 to the power 7 मीटर इनवर्स में आएगा. अभी हमारा हाइड्रोजन का केस है 1 का स्क्वायर और एक वैल्यू 2 है एक वैल्यू 4 है, 2 और 4 ये रख लीजिए. ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसे सॉल्व करने के बाद, अभी तो ये आंसर मीटर इनवर्स में आ रहा है, रेसिप्रोकल लीजिएगा जिससे कि लैम्डा निकल के आ जाए. ठीक है, ये 4 एलसीएम आ गया, शायद 16 है ना, 16 एलसीएम आ गया, 4 टाइम और यहां से 1 टाइम, तो 4 माइनस 1 3 बाय 16 लग रहा है मुझे. तो जब आप लैम्डा निकालेंगे तो 3 बाय 16 दैट इज 16 इनटू तो 10 की पावर माइनस 7 अपॉन 3 इनटू 1.09677. एक बार आप देख लेना है, मैंने रैंडम करके लिख दिया है. ठीक है, और अब ये आंसर मीटर इनवर्स में, सॉरी मीटर में जा रहा है लैम्डा की वैल्यू. तो ये तरीका है लैम्डा निकालने का. अगर आप लोगों क्लियर है तो 1 टाइप करिए, नहीं क्लियर है तो मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करूं कि किया क्या है मैंने. ठीक है, गुड. तो आपको ये कल वाला फॉर्मूला याद हो गया, मैंने इसे आर लिख के कर दिया कॉन्स्टेंट को, और ये कॉन्स्टेंट अगर कई बच्चों को याद नहीं आ रहा तो कल हमने ये पढ़ा था डेल्टा ई इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट 2.18 इनटू 10 की पावर माइनस 18 और उसके बाद जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन2 स्क्वायर ऐसे करके लिखा था, और डेल्टा ई की जगह एच सी वाई लैम्डा था. ये एच सी को ले जाके डिवाइड यहाँ करिए तो ये वाली वैल्यू पर ये आर सेम आता है. इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आर वैल्यू से पहला क्वेश्चन आपका हो गया. नेक्स्ट जल्दी देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लाइन इन द बाल्मर सीरीज, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन इन द बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो बेसिकली हमने जो कल पढ़ा था या कल से पहले पिछले टर्म पे पढ़ा था वहां से भी कर सकते हैं. कैसे बेटा, यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट लाइन में कहा गया है, ओके ये कहा है, ठीक है. तो 1 upon lambda वेवलेंथ के लिए 1 upon lambda equal to r z square. देखो बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 2 रखते हैं, लाइमन में n1 1 होता है, और जब फर्स्ट लाइन के लिए कहेंगे तो अगले नंबर पे जाना होगा, और जब हम लास्ट लाइन के लिए कहेंगे, ये पहला क्वेश्चन है, और जब हम लास्ट लाइन के लिए कहेंगे तो r z square 1 upon 2 square minus 1 upon infinite square. Obviously infinite square is infinite and 1 upon infinite is 0. तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और फिर डायरेक्ट यहाँ से 1 upon lambda आया है, ठीक है, r z square upon 4. और आपको याद रखना है कि इसको बाद में चेंज करके lambda यानी reciprocal निकालना जरूरी है, reciprocal निकाल के दें. तो ये दोनों केसेस में आ जाएगा, ये आपकी कहलाएगा पहला क्वेश्चन फर्स्ट लाइन, ठीक है, और ये कहलाएगी लिमिटिंग लाइन या लास्ट लाइन. ठीक है, वेरी गुड. तो अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो बड़ी अच्छी बात, वेरी नाइस. थर्ड क्वेश्चन, how much energy is required? देखो अब energy का question है, in to ionize hydrogen atom if electron occupies fifth orbit. इसके बाद है compare ionization from ground state. तो how much energy is required? बेटा energy कितनी चाहिए? अगर आपको याद हो
आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या करते थे? ध्यान आया आपको कुछ? तो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला ये था, कल हमने पढ़ा था, ई आयोनाइजेशन इज, अगर आयोनाइज कर रहे हैं के जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो पहले हमें फिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन है वहां से निकालना है, तो फिफ्थ शेल में एनर्जी कितनी लगेगी? आयनाइजेशन के की वैल्यू आपकी 2.18 × 10⁻¹⁸, Z हाइड्रोजन का केस है और N 5 × 25, ये आ गई आपकी आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम फिफ्थ शेल। तो यहाँ पे हम पूरा लिख दे रहे हैं, ये है आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम फिफ्थ शेल। बेटा ये फिफ्थ शेल से आयनाइजेशन एनर्जी है। अब आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट शेल से कंपेयर करना है, तो भैया फर्स्ट शेल की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी आएगी? तो यही फॉर्मूला है, बस फर्स्ट शेल है तो ऑब्वियसली 1² यानी यही रहेगा। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो साफ दिख रहा है फिफ्थ शेल की आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट शेल से 25 टाइम्स कम है, या आप कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फिफ्थ शेल, या बल्कि ज्यादा बेहतर है फर्स्ट शेल लिखता मैं यहाँ पे, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फिफ्थ शेल। ये 25 टाइम्स है, इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2.18 और 10⁻¹⁹ कट जाएगा, 1/25 यहाँ बचेगा और वहां नीचे होगा, तो फर्स्ट शेल की आयनाइजेशन एनर्जी 25 टाइम्स आएगी। बोलो बेटा अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो 9 टाइप करो, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा ना पिछले से अलग आपने कुछ टाइप किया है, अगर ये वाला क्लियर है तो 9 टाइप करिए, ठीक है, क्योंकि 1 ही 1 आ रहा होगा तो पता नहीं चलता आप पिछले क्वेश्चन के लिए कह रहे हो इस क्वेश्चन के लिए इसलिए, ठीक है। देखो 11-12 बच्चों ने या कुछ बच्चों ने आंसर टाइप कर दिया है 9, इसका मतलब कितने बच्चों को तो क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट इज कितना? बेटा जब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हम देते हैं तो बेसिकली हम के की वैल्यू बताना चाहते हैं। एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब हमने एक एनर्जी आपको दे दी, एक वैल्यू दे दी, और जेड आपको मालूम है हाइड्रोजन है 1 है, एन मालूम है शेल है 1 है, तो यहाँ से वो जो एनर्जी है वो के की वैल्यू होती है। तो ये मान के चलिए कुछ के क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू गिवन होगी कि ये के है सीधा, और कुछ क्वेश्चन में घुमा के ऐसे कहेंगे कि फर्स्ट शेल की एनर्जी इतनी है, तो बेसिकली वो के देना चाहते हैं। What is the energy associated with fifth orbit? तो भैया first orbit की energy मालूम है, fifth orbit की energy पूछी है, ठीक है? तो I hope so अब सारे बच्चों को clear हो गया होगा, और वैसे तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, I hope so, क्यों? क्योंकि ये आपके सामने formula लगा है कि आपको energy of first shell मालूम है and energy associated with third या fifth जो भी shell की पूछी है, तो square times का relation है, तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये बल्कि आयनाइजेशन एनर्जी का है, ठीक है? ठीक है, तो एनर्जी एसोसिएटेड विद फिफ्थ शेल कैसे करें? उन्होंने फर्स्ट शेल की एनर्जी हमें दी हुई है ना, उन्होंने फर्स्ट शेल की एनर्जी दे रखी है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल इज माइनस 2.18 × 10⁻¹⁸ आ गया था, और ये फर्स्ट शेल की एनर्जी थी, तो बेसिकली ये के आ गए। अब फिफ्थ शेल की एनर्जी निकालनी है, तो फिफ्थ शेल यहाँ लिख दिया हमने −2.18 × 10⁻¹⁸, और z की वैल्यू तो वही रहेगी, n स्क्वायर 5² हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा −2.18 × 10⁻¹⁸/25। या थर्ड शेल जो 9 आ जाएगा, व्हाटएवर, ठीक है। अभी इस फोर्थ का बी पार्ट रह गया है, रेडियस, वो पहले मैं आपको बता देता हूं, या तो फोर्थ का बी पार्ट अभी रुक लेते हैं, रेडियस वाली क्वेश्चंस अभी बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द ट्रांजिशन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो बेटा बच्चे यहाँ पे जो कहा गया है, ये वाला बोर्ड मूव कैसे होता है, ये बोर्ड मुझे मूव करना नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर ऑल, ठीक है।
तो यहाँ पे कहा गया है कैलकुलेट वेव नंबर। भैया वेव नंबर होता है मतलब कौन लैम्डा, और ये होता है आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर। अब बाल्मर सीरीज है तो एन वन तो टू होगा, आपको याद रखना है अगर बाल्मर सीरीज है तो एन वन की वैल्यू टू होगी। अब उन्होंने कहा है लॉन्गेस्ट वेव, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेव यानी शॉर्टेस्ट या मिनिमम एनर्जी, और अगर ये मिनिमम एनर्जी है तो एन टू की वैल्यू बस अगला नंबर होगा थ्री। आपको यही समझा रहे थे बार बार कि एग्जामिनर लॉन्गेस्ट वेव कह देता है तो कई बच्चे जल्दबाजी में ये सोचते हैं भाई लॉन्गेस्ट बहुत दूर जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, या इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा क्योंकि वेव लेंथ लॉन्गेस्ट है तो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो जस्ट अगले लेवल पे ही जंप करेगा, तो टू और थ्री। और यहाँ पे आपको कोई रेसिप्रोकल नहीं लेना क्योंकि यही सॉल्व करना है, बस ये वाली वैल्यू पुट अप करिए सॉल्व कर दीजिए, मतलब आर वैल्यू जेड तो बनी है हाइड्रोजन का केस है, आर पुट अप करिए और आंसर निकालिए। बोलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है तो टाइप करिए 8, 8 टाइप करिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है, उत्कर्ष क्लियर है, ओके दो बच्चों दे दिए, देव क्लियर, हर्षिता क्लियर, चार बच्चों को आ गया समझ में, ठीक है, नमन नमन क्लियर, प्रगति अदिति, छह आठ बच्चों को आ गया है, दिव्यंका, अच्छा एक मानस ने कहा है दोबारा बता दीजिए, एक मिनट बेटा भी एक सेकंड बता रहा हूँ, और एक ने फिर से सृष्टि कुमार ने वन ही टाइप कर दिया, इसका मतलब ये सुन ही नहीं रहे थे, कोई बात नहीं। चलिए एक बच्चे ने कहा है कि दोबारा बता दो, तो मैं दोबारा एक बार ही बता देता हूँ, दो बच्चों ने कह दिया मिला। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 ये था कि बाल्मर सीरीज का क्वेश्चन है और उन्होंने कहा था बाल्मर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो तो वेव नंबर कितना होगा। तो आपको पहले याद रखना है कि लाइनवर्थ सीरीज जो होती है उसका एन वन यानी फर्स्ट जो जिस शेल से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो वन है, और बाल्मर सीरीज का जो एन वन है वो टू है। ये वाला एक जनरल फॉर्मूला आपको लगाना है, वेव नंबर इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू या एन एफ स्क्वायर। तो एन वन की वैल्यू लाइमन सीरीज के लिए वन है, बाल्मर के लिए टू, पैशन के लिए थ्री, ब्रैकेट के लिए फोर और ऐसे फुंड के लिए फाइव, हेम्फ्रे के लिए सिक्स, लेकिन आप लाइमन बाल्मर और पैशन तक ही क्वेश्चन है हमारे पास, तो बाल्मर सीरीज में एन वन हमने टू रख दिया। अब सेकेंड पॉइंट आया एन टू कैसे रखेंगे, इस क्वेश्चन में कहा है वेवलेंथ बहुत बड़ी यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, हमें मालूम है E इक्वल टू एच सी, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर या सॉरी E इक्वल टू एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा फॉर्मूला होता है, और अगर E इक्वल टू एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा होता है तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी या एनर्जी इनवर्सली है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा वेवलेंथ बहुत बड़ी है लॉन्गेस्ट है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी या एनर्जी बहुत छोटी है, और अगर आप बहुत कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन जंप करा रहे हैं तो ऑब्वियसली एनर्जी देके थोड़ा ही तो जंप कराएंगे, तो फर्स्ट शेल एन वन इज वन, सेकेंड इज एन टू इज सॉरी एन वन इज टू एंड एन टू इज थ्री, एन वन जो शुरुआत वाली शेल है वो टू होगी और फिर थ्री होगी। बोलो बेटा अब क्लियर है आपको ये, ठीक है, जिसने क्वेश्चन पूछा था दोबारा पूछे हैं दोनों तीनों बच्चे उनसे मैं कह रहा हूँ क्या क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी गुड, ठीक है नेक्स्ट। अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ दिस, तो बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना इसी को केमिस्ट्री में कहा गया है आयोनाइजेशन, एटम से इलेक्ट्रॉन को अलग करना ही होता है आयोनाइजेशन, तो ये कह रहे हैं एटम को आयोनाइज कर दीजिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिए, और ये क्वेश्चन हीलियम का है। तो बच्चों अगर आपको याद आ गया हो आयोनाइजेशन के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है ये मैं इजी को साफ करते जाता हूँ, तो आयोनाइजेशन के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं आपको अगर याद हो तो ई आयोनाइजेशन इज इक्वल टू माइनस हट जाता है के जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, के की वैल्यू होती है 2.18 इनटू 10 की पावर -18। बेटा इस क्वेश्चन में ये गलती मत करिएगा कि जेड हीलियम का क्वेश्चन है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और एन नहीं दिया तो पहली शेल से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये 2.18 इनटू 10 की पावर -18 मल्टीप्लाइड बाय 4 और ये आंसर जूल में लिखा जाएगा,
ठीक है ओके कोई बात नहीं। एक आध क्वेश्चन अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और ठीक है बेटा पलाश, अगर आपने कर लिए या बाकी ने कर लिए बहुत अच्छी बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर ये कह रहे हैं ये पांचवा छठा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ बेटा ओके। चलिए अगर हम रिवर्स में चल के देखते हैं कि हमें समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ठीक है 14 से 14 में कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है कैलकुलेट द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ये पूछा है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। बेटा फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है कि जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद है बस उसके अगले शेल में कूद जाए। तो यहाँ एनर्जी पूछी है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ये कैसे निकालेंगे? तो आई होप सो आपको समझ में आ गया हो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कैसे निकालनी है। यहाँ पे आपको एनर्जी का डिफरेंस निकालना है और फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल पे कूदा है तो ये फॉर्मूला है के जेड स्क्वायर 1/n initial 1/n final, ये फॉर्मूला है। और फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आएगी 2.18 × 10⁻¹⁸ हाइड्रोजन का केस है तो Z1 और फर्स्ट लेवल में इलेक्ट्रॉन था और अब सेकेंड लेवल पे पहुंचेगा। इसे सॉल्व करिए ये कहलाएगी फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। और उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन पूछा है आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर आयोनाइजेशन निकालना है तो आप डायरेक्ट के Z²/n² लगा सकते हैं, यहां से आयोनाइजेशन आ जाएगा डायरेक्ट। तो अगर फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो 2.18 × 10⁻¹⁸ और हाइड्रोजन का Z भी 1 है n भी 1 है तो हटा दो तो ये इतना ही आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी यहां से और आयोनाइजेशन यहां से। क्वेश्चन नंबर अगर 14 क्लियर है, ये मैंने अपनी शीट जो आपको पहले दे रखी है उसका 14 क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड सॉल्व कराया है। पार्ट फर्स्ट का आंसर दे रखा है तो मैच कर लेंगे, ये एलसीएम 4 आ जाएगा तो 4 − 1 = 3/4 तो × 3/4 करके देख लीजिए और यहाँ आंसर मैच कर लीजिए तो आपको आंसर दे रखे हैं। ये रहा अब ये जूल पर मोल में आंसर है तो जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर पर मोल में दे रखा है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए पर मोल में आएगा, मैंने आपको जूल पर एटम में बताया था। ठीक है नेक्स्ट, अब बच्चों जो एक दो क्वेश्चन रह गए थे उनके लिए वर्क कर लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कर भी चुके हैं तो बेटा टेंशन मत लो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन ऑफ लाइट एक्साइटेड फ्रॉम ए इलेक्ट्रॉन 6 टू ग्राउंड स्टेट। अगर एक इलेक्ट्रॉन 6 शेल में है और वो ग्राउंड स्टेट में आ गया है 6 से ग्राउंड स्टेट में तो कितनी लाइंस आएंगी? मतलब बेटा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, 6 लेवल पे इलेक्ट्रॉन था, शेल होगी ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स, 6 से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो कितनी अलग अलग वेव्स दे सकता है, अलग अलग वेवलेंथ वाली वेव्स। तो बच्चों अलग अलग वाली कितनी वेव दे सकता है इसे प्रैक्टिकली ऐसे समझिए, ये है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ठीक है, और इसी में मेरे को बनाना पड़ेगा फिफ्थ शेल और इसी में बना दूंगा सिक्स्थ शेल। ठीक है अब अगर ये सिक्स्थ शेल से नीचे आ रहा है यहां से तो हो सकता है वो सिक्स्थ शेल से सीधा नीचे आ रहा है और ये भी हो सकता है सिक्स्थ शेल से वो किसी भी लेवल पे आ जाए और जब वो फिफ्थ पे आया होगा यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ये एकदम नीचे भी आ सकता है यहाँ आके आ सकता है यहाँ आके। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर मौजूद है चाहे इसकी वजह से चाहे इसकी वजह से, अगर यहाँ मौजूद है तो सीधा भी आ सकता है यहाँ तक आ सकता है यहाँ, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है किसी की वजह से भी वो यहाँ आ सकता है यहाँ और जो यहाँ आया तो यहाँ, तो लाइंस कितनी आई है? तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो यहाँ आई है 5 लाइंस, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, तो 6 से लेके फर्स्ट तक आने में कितनी लाइंस आई है?
तो सिक्स से अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में जंप हुआ है तो इसका डिफरेंस है फाइव, फाइव प्लस फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन प्लस जीरो, तो ये आंसर आ गया 15। डेफिनेटली इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, तो मैथमेटिक्स जो आप लगाते हैं वो भी है कि आप सिक्स लेवल को आप कहेंगे एन टू, फर्स्ट लेवल को आपने कह दिया एन वन, एन टू माइनस एन वन करी और इसमें फिर एक ऐड कर दीजिए, एन टू माइनस एन वन में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करिए आपस में और दोनों को टू से डिवाइड करिए, ठीक है। शॉर्ट में लिखने का तरीका बता रहा हूं, एन टू माइनस एन वन को डेल्टा एन कह देते हैं, इसे मल्टीप्लाई करिए डेल्टा एन प्लस वन से और डिवाइड कर दीजिए टू से। जैसे इस क्वेश्चन में इनिशियल लेवल सिक्स है, फाइनल लेवल फर्स्ट है, तो सिक्स माइनस वन हो गया फाइव और इसे मल्टीप्लाई करिए, इसमें एक ऐड करके टू से डिवाइड करिए, तो ये 15 आंसर ऐसे आता है। तो आप चाहें तो ये तरीका अपना सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस बना के देख लीजिए, और चाहें तो ये वाला फॉर्मूला डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस वन अपॉन टू कर दीजिए, और डेल्टा क्या है यहाँ, डेल्टा एन क्या है, एन टू माइनस एन वन। तो ये शायद हमने कल नंबर ऑफ लाइंस क्या नहीं किया था और ये आज हो गया। फिर नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालेंगे, एन टू माइनस एन वन मल्टीप्लाइड बाई इस एन टू माइनस एन वन में वन ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एन टू माइनस एन वन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है बच्चों, अब बात करनी है क्वेश्चन नंबर, ये आपके हो चुके हैं, ये पीछे कह रहे हैं, चलिए हो चुके हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। और दो क्वेश्चन रह गए हमारे, एक रह गया कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ रेडियस गिवन, ठीक है 0.529 आगे यूनिट नहीं गिवन है। चलिए पहले मैं आपको रेडियस का फॉर्मूला बता दूं, फिर ये करें, है ना। एक सेकंड, ये पॉइंट्स थे जो आपने लिखते हुए हैं, ठीक है। मैं तो खाली एक यूनिट देखने लिख दिया था, या यूनिट दिख नहीं रहे मुझे कहा, चलिए होगा। ठीक बच्चों, बोर्ड्स के क्वेश्चन में अब दो या तीन, दो पॉइंट रह गए हैं हमारे, वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बोर्ड्स के सारे फॉर्मूले एक साथ देखते हैं। बोर्ड्स का एक फॉर्मूला है कि जैसे एनर्जी फिक्स है कि फर्स्ट शेल की कितनी है, सेकंड की कितनी, तो एक फॉर्मूला था दैट इज माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से आता था एनर्जी nth ऑर्बिट की, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ किसी भी ऑर्बिट की। ऐसे ही न्यूक्लियस से कौन सा ऑर्बिट कितनी दूर है तो रेडियस भी निकाला जा सकता है, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज, ठीक है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 0.529, जिसे आप 52.9 भी लिख सकते हो अगर आप आर्मस्ट्रॉन्ग में लिख पिकोमीटर में लिख रहे हो, इनटू, जरा ध्यान रखना इसमें एन स्क्वायर न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में खाली जेड है, तो ये फॉर्मूले ऑब्वियसली डिराइव कहां से हुए हैं, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई से ही डिराइव, याद है ना फॉर्मूला, तो वहीं से डिराइव हुए हैं। तो यहां आया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का एक जनरल फॉर्मूला, और अगर मैंने यहाँ 0.529 लिया है तो आर्मस्ट्रॉन्ग होगी यूनिट, और अगर 52.9 लिया है तो पिकोमीटर, यानी अगर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस की बात करूंगा तो ये 0.529 होगी फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी वन हो गई, हाइड्रोजन में शेल फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्बिट है और एटॉमिक नंबर वन है। लेकिन अगर सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस की बात करूंगा तो 0.529 इंटू 4 हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट के रेडियस की बात करूंगा तो 0.529 इंटू 9 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से, फिर 9 से। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप समझ गए हो तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट आपके समझ में आना चाहिए, इन केस ऑफ बोर्स रेडियस R1:R2:R3 इज इक्वल टू 1:4:9। अगर फर्स्ट शेल का रेडियस मान लो x आर्मस्ट्रॉन्ग है तो सेकेंड शेल का रेडियस 4x आर्मस्ट्रॉन्ग होगा,
उससे चार गुना ज्यादा होगा। थर्ड का रेडियस पहले से नौ गुना ज्यादा होगा, 9x आएगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे R1:R2 = 1:4:9 क्या है, ध्यान से देखिए, ये रेडियस है, ये कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर एक एटम का कांस्टेंट रहेगा, तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ रहा है। तो बोर के मॉडल में ये कहा गया है कि एक एटम में जो डिफरेंट शेल्स हैं, तो हर शेल का जो रेडियस है वो एक कांस्टेंट है, और वो 0.529 n स्क्वायर बाय z कह लो, या R1:R2:R3 1:4:9 मतलब इसके स्क्वायर में चले। और एक और क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वो ये पूछते हैं, बताइए R3 - R2 यानी दो शेल के रेडियस का डिफरेंस, और ऐसे ही R2 - R1 में क्या रिलेशन है, यहाँ बीच में क्या साइन आना चाहिए, यहाँ बीच में इक्वल टू आना चाहिए, या दूसरा ऑप्शन ये R3 - R2 ग्रेटर होना चाहिए, या R3 - R2 इससे लेस होना चाहिए, या कुछ भी हो सकता है, चाहे ग्रेटर या इक्वल या लेस। इसका आंसर अब आप बताइए, जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है क्या आएगा, मतलब ऑप्शन वन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बेटा कौन सा ऑप्शन है उत्कर्ष? वैसे आपका आंसर सही है, मैं समझ गया हूँ, वेरी गुड बेटा प्रगति, इसका मतलब आप लोग सुन रहे हैं, वेरी नाइस उत्कर्ष, प्रगति, पलाश, सबके आंसर तीनों बच्चों के सही है। दिव्यंगा बेटा आपका आंसर गलत है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आएगा, और अधिकतर बच्चों ने ये आंसर सही दिया है कि यहाँ का डिफरेंस, ध्यान से देखिए, 9 - 5 = 4, 4 - 1 = 3, तो यानी यहाँ का डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो कहने का मतलब, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, तो कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, तो ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल, समझ में आ रहा है क्या दिखाना चाह रहा हूं, कि ये डिफरेंस पहले कम था, ये डिफरेंस बढ़ गया, ये और बढ़ गया, तो जो गैप है, डिस्टेंस का गैप बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आगे जाते हैं, शेल बिकम्स फार अपार्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के टर्म्स में ये दूर दूर होते जाते हैं। बट याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर ने आपसे डिस्टेंस की जगह एनर्जी के टर्म्स में पूछ लिया, यानी इस फर्स्ट शेल की एनर्जी E1 है, ये E2 है, ये मैंने एनर्जी लिखी है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ E3 - E2 and E2 - E1 में रिलेशन क्या आ रहा है, ठीक है, E3 - E2 और E2 - इसमें क्या रिलेशन आ रहा, वही तीन ऑप्शन है, ग्रेटर, लेसर और इक्वल। बताइए बेटा, एनर्जी और इसमें क्या है, वही तीन ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन ग्रेटर और इक्वल मान लीजिए, दूसरा ग्रेटर, तीसरा लेसर। बच्चों याद रखना है, एनर्जी में उल्टा है, कैसे याद रखते हैं, क्या है, आप जरा एनर्जी का फॉर्मूले को देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला है कॉन्स्टेंट के जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो एनर्जी शेल नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि रेडियस और कॉन्स्टेंट के इनटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। बेटा एक एटम में जेड तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा ना, इट इज अ कॉमन सेंस, एक एटम का जेड थोड़ी चेंज कर लोगे आप, तो जेड कॉन्स्टेंट ही रहता है, और इसलिए रेडियस ये एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे शेल बढ़ेगी रेडियस एनॉर्मसली बढ़ेगा, लेकिन एनर्जी एन स्क्वायर के इनवर्सली है, जैसे जैसे एन बढ़ेगा एनर्जी तो कम होती जाएगी, और क्योंकि स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो गैप है वो छोटा होता जाएगा, जबकि शुरू में गैप जो है ज्यादा होगा, बाद में ये गैप ज्यादा होगा, बाद में गैप छोटा है। तो याद रखने का बेस्ट तरीका है कि रेडियस वाला फॉर्मूला जो है उसमें एन स्क्वायर डायरेक्टली है, और एनर्जी वाले फॉर्मूले में एन स्क्वायर इनवर्सली, तो भैया उल्टा ही काम है ना, तो रेडियस आगे जाते समय बढ़ता जाता है, गैप बढ़ता जाता है दो शेल्स के बीच में रेडियस का, तो एनर्जी का गैप कम होगा, शुरू में एनर्जी का गैप ज्यादा होगा, बाद में एनर्जी का गैप कम होगा। बोलो बच्चों यहाँ तक तो क्लियर है, तो अब आप टाइप कर दीजिए यहाँ पे 4, उसके नंबर चेंज करके बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आपको क्लियर है, वेरी गुड। तो एनर्जी और रेडियस ये क्लियर हो गया, और ये अभी एक क्वेश्चन मैंने कहा था ना,
कि हमने नहीं बताया है, वो रेडियस वाला क्वेश्चन था। अब हम वो चेक कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन अब हमसे हो जाएगा। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर शायद सिक्स था या व्हाटएवर, फिफ्थ था, सिक्स था, नहीं फोर्थ का सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट ये रहा, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर फिफ्थ ऑर्बिट। तो अब आपको आसान लगना चाहिए, रेडियस निकालना है। आर इज इक्वल टू, अगर मैं पिकोमीटर में लिख रहा हूं तो 52.9 और इनटू एन स्क्वायर, फिफ्थ ऑर्बिट है 5 स्क्वायर अपॉन जेड यानी एटॉमिक नंबर, वो 1 ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि मैंने 52.9 लिया है तो पिकोमीटर होगा, और अगर मैं 0.529 लेता तो आर्मस्ट्रांग हो जाता, तो इसलिए यहां ये आंसर पिकोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो ये वाला फॉर्मूला भी अब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ अब बोर में एक फॉर्मूला रह गया वेलोसिटी वाला, वो अभी क्वेश्चन जो देखा था वो भी बता रहा हूं कैसे कर सकते हैं। देखो भैया ये फॉर्मूला था mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, यहां से अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो nh अपॉन 2 पाई और डिवाइड में आ गया m और डिवाइड में आ गया r, है ना, और r की जगह क्या लिखते हैं तो उसमें के भी कांस्टेंट्स हैं, वो वैल्यू पुट अप करते हैं। तो अगर हम इन सब की वैल्यूज पुट अप कर देंगे, अच्छा मैं पुट अप करूं ना, तो चलो कर देते हैं, r की वैल्यू एक कांस्टेंट k था ना, r की जगह यहां पे कांस्टेंट k दैट इज 0.529 है ना, और क्या था n square by z, तो यहां एक n से n कट गया। तो बच्चों मैं ये बस दिखाने के लिए लिखता है कि वेलोसिटी के फॉर्मूले में यहां से लेके यहां तक सब कांस्टेंट टर्म आए और आखिरी में बचेगा z by n। तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है व्हाट आई रिमेम्बर, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, एक बार चेक करूंगा, 3.29 into 10 की पावर 15 z by n, 3.29 है या 3.3 है वही मैं भी चेक कर रहा था। ठीक है, एक सेकंड लगेगा ना, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट फॉर्मूला, भाई मैं भूल चुका हूं, अच्छा कह रहा माइक्रोफोन ही नहीं लगा तुम्हारा, एक मिनट रुकना है, एक सेकंड, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन एटम, तेरी तो माइक्रोफोन ही लगा, ये कह रहा भाई माइक्रोफोन लगा यार, तब वो नहीं बताना जा रहा। वैल्यूज में डायरेक्ट डिग्री या डिग्री में पूरा मैटर दे रहा था, देख रहा था वेलोसिटी 2.29 × 10⁻³। अरे भैया फॉर्मूला गलत दिख रहा है, उसका फॉर्मूला है 2.18 × 10⁶ z by n, ये सही कर लो भैया। ठीक है, ये मैं फ्रीक्वेंसी लिख गया हूँ, सॉरी मुझे लग रहा था गलत, मैं इसलिए मैंने चेक कर,
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा 2.18 × 10^6 वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है 2.18 × 10^6 Z/N m/s। बच्चों ये रहा क्वेश्चन, इसकी वजह से मेरे को ये कराना पड़ा। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चेक इट, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एटम ऑफ रेडियस इतना। तो रेडियस की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। और इन्होंने पूरी चीजें दे रखी है कि आप सब कुछ पुट अप करके सॉल्व कर दें। फिलहाल वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दीजिए। बोलो बच्चों क्लियर है? चलिए ठीक है। अब बच्चों अब क्या करिए, जरा बोर के जितने फॉर्मूले थे सब एक साथ कंसंट्रेट करके एक जगह लिख लीजिए। जैसे पहला फॉर्मूला था MVR = N (H/2π). दूसरा फॉर्मूला रेडियस का जो आया था वो 0.529 दैट इज N² / Z और ये यूनिट रहेगी आर्मस्ट्रॉन्ग। तीसरा है वेलोसिटी का जो अभी हमने देखा, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया हमारा बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला आया 2.18 × 10^6 Z/N m/s। चौथा है एनर्जी इन nth ऑर्बिट -K(Z²)/N² और K की वैल्यू 2.18 × 10^-18 Z²/N² जूल पर एटम लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। और पांचवा फॉर्मूला आया कि अगर हमें सबसे पहले शॉर्ट कर, ठीक है, ये ठीक, ये पांच चार आ गए। अब हमने एक लेवल से दूसरे लेवल जब जंप किया वो वाले फॉर्मूले भी देख लेते हैं, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला आयनाइजेशन एनर्जी का क्या आया, तो K(Z²)/N² जूल पर एटम आया, ठीक है, ये K(Z²)/N² हो जाएगा जूल पर एटम में। और फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल, ये आयनाइजेशन एनर्जी। छठा फॉर्मूला, अगर हम इसी के लिए फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये E = h/u लिख के h डिवाइड में आ रहा है, और जैसे ही आप h डिवाइड में लाएंगे तो ये था 3.29 × 10^15 Z²/N² और ये फ्रीक्वेंसी है टाइम इनवर्स में। सातवां, 1/λ अगर आप निकालेंगे 1.09677 × 10^7 और यहां आएगा Z²/N² और ये मीटर इनवर्स में आता है। और एक भूल गया मैं कि अगर मुझे डेल्टा ई निकालना है तो यहाँ पे A(Z²)/(N)(initial²)-(1/N)(final²) लिखना होगा, बल्कि ये यहाँ पे भी लिखना होगा, सॉरी, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे भी लिखना होगा इन दोनों में भी, कि यहाँ Z²(1/N)(initial²)/(1/N)(final²) और यहाँ पे भी Z²(1/N)(initial²)/(1/N)(final²), ठीक है, ठीक। और एक आप 10 फॉर्मूले के आसपास होते हैं, हमें 8 तो मिल ही गए हैं, ठीक है, 7-8 फॉर्मूले तो ये हो गए, ठीक है। अब आप देखिए कौन से दो एक दो फॉर्मूले रह गए हैं वो और पुट अप कर दीजिए। 10 के आसपास हम मान के चलते हैं, ये दो कोई रह गए, ओके, वो भी देख लेते हैं कौन से हैं। फिलहाल रेडियस हो गया, ठीक है, रेडियस हो गया, दो के बीच का डिस्टेंस निकालने का हो सकता है, वेलोसिटी हो गया, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, एनर्जी का डिफरेंस, वेवलेंथ,
आयनाइजेशन एंड ऑलमोस्ट साइमल, ठीक है। तो ये वो, हाँ एक आ गया, नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, ये होता है नंबर ऑफ लाइंस का, ठीक है, कितनी बेस है, तो नाइन्थ हो गया, एक और भी रह गया है, दस फॉर्म में हम मान के चलते हैं इसमें एक और भी है। और ये जब आप लिख के सामने रखेंगे और बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई गारंटी यू आपको एक मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर है, तो बोर मॉडल हमारा ऑलमोस्ट फिनिश पे है, खाली इसके ड्रॉबैक बचेंगे, क्लियर है, तो वन टाइप करो, गुड, ठीक है बच्चों, ओके, आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे बचा हुआ, ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।